बिहार में एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पटना एक कटोरी की तरह है, नदियां उफान में है, गंगा उफान में है, इसलिए शहर का पानी बाहर निकलना अभी कठिन है। और पिछले चार दिन से लगातार हवाई सेवाएं भी बाधित हो गई हैं, रेल सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। पटना शहर में कई स्थानों पर कंधे से ऊपर पानी है, कई स्थानों पर बहुत पानी का जमाव हो गया है। मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां हैं इस मौसम में, जब दशहरा के पहले पहले दिन से ही, कलश स्थापन के दिन में ही ये इस प्रकार की स्थिति है। पूजा पाठ भी प्रभावित हो गया, दशहरे का पूरा फेस्टिवल प्रभावित हुआ है। इस माह में हम कभी बारिश नहीं देखते थे, लेकिन जिस प्रकार से पटना में बारिश हुआ है त्रासदी का कारण बना है। यहाँ तक भी एक मगरमच्छ लोगों ने वीडियो में रिलीज किया है कि पटना शहर के गलियों में घूमता हुआ दिखा है। तो ये एक अजीब सी परिस्थिति है, ये आपदा है, किसी सरकार की फेलियर नहीं है। सरकार अपने तरफ से, बिहार की सरकार पूरी ताकत से लगी है और केंद्र की सरकार भी बिहार सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। आपके घर में भी पानी घुस गया? हाँ, मेरे घर में भी बहुत पानी हो गया। मेरी चौकी, मेरा बेड सब डूब गया है। मैं अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाया, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में था और फिर बाहर निकल पाया। बहुत कठिन है, लेकिन कोई ये सरकार के फेलियर के कारण नहीं है, ये ऐसी स्थिति हुई है। 1975 का बाढ़ मैंने बचपन में देखा था और ये बाढ़ नहीं है, ये आपदा है जो बारिश के कारण है। मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और ये समय आ गया है कि नए पटना, क्योंकि पटना पर बोझ बहुत पड़ गया है, सभी लोग पटना में ही रहते हैं, चाहते हैं। अब तो देहातें भी बिहार की अच्छी हैं, तो शायद नई पटना की कल्पना आज से हम शुरुआत करें इसकी चर्चा, और सबके दिमाग में है, शायद आने वाले दिनों में इससे हमें बड़ी राहत मिल सकेगी।